हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको ये U5ER करके एक एरर कोड शो हो रहा है, ये अक्सर जो है IFB वॉशिंग मशीन के अंदर जो है इस तरह के एरर कोड हमें देखने को मिलते हैं। आज आपके सामने में ये जो है ये U5ER या इसको हम कह लें USER करके ये एरर कोड होता है, जिसकी डिटेल्स आपको आज मैं बताने वाला हूँ। जब ये एरर कोड शो होता है, इसके अंदर ना ही स्पिन टब काम करता है, ना ही हमारी ड्रेन मोटर जो चालू होती है, ना ही हमारा इनलेट वाल्व होता है, कोई भी फंक्शन इसके अंदर जो है काम नहीं करता है। अब स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सब चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके अंदर हमारी ड्रेन मोटर बिल्कुल ऑफ है, इसकी जो ड्रेन की जो नॉब होती है बिल्कुल भी बाहर नहीं आई हुई है, ठीक है। और हमारी जो स्पिन मोटर है वो भी काम नहीं कर रही है। ये एक IFB की टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जिसकी डिटेल्स यहाँ आपके सामने शो हो रही है, ठीक है दोस्तों। ये 6 एम्पीयर की वॉशिंग मशीन है, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो आई है दोस्तों, अब आपको जो है स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर बताने वाला हूँ, इसके अंदर किस कारण से या क्या रीज़न होता है जिसके कारण हमें जो है ये IFB के अंदर U5ER या US जिसको हम कह सकते हैं ER करके जो है इसके अंदर एरर कोड शो होता है। सबसे पहले आपको इसका टॉप पैनल खोल लेना है, जैसा कि रिंग मैंने हटा दी है, और इसका टॉप बैक कवर होता है वो भी आपको जो है खोल लेना है, ठीक है दोस्तों। अभी भी आपको दोस्तों नज़र आ रहा होगा हमारा एरर कोड शो हो रहा है, ठीक फ्रेंड्स, मैंने पहले से ही खोल रखा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 ड्रेन मोटर है, और ये जो आपको दोस्तों स्विच नज़र आ रहा है, बैलेंसिंग स्विच जो आपको दोस्तों नज़र आ रहा होगा, इसी के कारण जो है हमारे अंदर ये जो है एरर शो होता है। जैसे ही स्विच को मैं देखिए दोस्तों मैनुअली पुश करता हूँ, तो हमारा जो है ऑन हो जाता है, एरर कोड डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है। और जैसे ही मैं इसको जो है वापस छोड़ता हूँ, तो ये जो है एरर शो होने लगता है। अब मैं आपको जो है बाहर निकाल के ये जो है प्रॉपर तरीके से बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं इसको जो है पुश करता हूँ, हमारा एरर कोड जो है चला जाता है। देखा दोस्तों आपने, हमारा एरर कोड चला, जैसे ही मैं इसको वापस छोड़ता हूँ तो हमारा जो है एरर कोड आ जाता है। इस तरह से हमें ये पता चलता है हमारा ये जो U5ER जो एरर कोड होता है वो हमारे बैलेंस स्विच के कारण होता है। जैसे ही मैंने उसको जैसे दोस्तों दबा के रखा, हमारा जो है स्पिन मोटर भी चालू हो गई, हमारी ड्रेन मोटर भी चालू हो गई। इस तरह से है जो है आप भी आसानी से डिटेक्ट करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको चीज़ समझ में आई होगी, हमारा बैलेंस स्विच के कारण जो है हमारा E5 या US करके एरर शो हो रहा था। तो लास्ट तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।